हाय दोस्तों, T4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप इंस्टाग्राम आईडी को डिलीट कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इंस्टाग्राम अकाउंट को बनाया है और आप चाह रहे हैं उसको डिलीट करना, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, तो कैसे उसको आप डिलीट कर सकते हैं हमेशा के लिए, आज के वीडियो में सीखेंगे। तो जो डिलीट करने का तरीका है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना है, क्योंकि जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है वो आपका अपडेट होना ज़रूरी है। जो अभी जो तरीका चल रहा है डिलीट करने का, उस तरीके से आप डिलीट कर पाएंगे। ओके, जो पहले वाला तरीका था वो ओल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन आपको सर्च कर लेना है सबसे पहले प्ले स्टोर में जाने के बाद, और इस एप्लीकेशन को आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जो अपडेट का ऑप्शन है इसमें क्लिक करके इसको सबसे पहले अपडेट करेंगे। तो चलिए हम इसको अपडेट होने देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा एप्लीकेशन अपडेट हो चुका है। जैसे कि देख रही है, हो गया 93% हो गया है। अब यहाँ पर ये इंस्टॉल होगा, तो अभी हम इसको ओपन करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा अब अपडेट हो गया है। अब यहाँ पर ओपन का ऑप्शन है, इसमें क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके इंस्टाग्राम एप्लीकेशन का जो आपने लॉगिन करके रखा होगा अकाउंट, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे प्रोफाइल आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे इसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आपने प्रोफाइल आइकन में क्लिक किया, अब आपके सामने इस तरीके से पेज खुलता है। अब आपको ध्यान दीजिए, ऊपर में यहाँ पर 3 लाइन आपको बने हुए हैं, इस 3 लाइन में आपको क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों 3 लाइन में क्लिक करिएगा, अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन आपको क्लिक करना है फर्स्ट जो सेटिंग्स लिखा हुआ है इसमें। तो चलिए, हमने सेटिंग्स में क्लिक कर दिया। जब आप सेटिंग्स में क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से पेज खुलता है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन आपको जाना है नीचे, और नीचे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अकाउंट के जस्ट नीचे, हेल्प लिखा हुआ। तो ये हेल्प का जो ऑप्शन है इसमें क्लिक कर लेंगे। जैसे हमने हेल्प में क्लिक किया, अब आपके सामने इस तरीके से पेज खुलता है। अब यहाँ पे सेकंड में है हेल्प सेंटर लिखा हुआ, तो चलिए हम इसमें क्लिक करेंगे। हमने हेल्प सेंटर में क्लिक किया। अब जो तरीका है इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करने का वो अलग हो चुका है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर अभी इस तरीके से पेज खुलता है। अब आपको यहाँ पे हेल्प सेंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे सर्च बार है, उसके बगल में 3 लाइन है, इसमें क्लिक कीजिए। हमने 3 लाइन में क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट में है इंस्टाग्राम फीचर, दूसरे में है मैनेज योर अकाउंट। तो ये जो मैनेज योर अकाउंट लिखा हुआ है इसमें क्लिक करेंगे। मैनेज योर अकाउंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर डिलीट योर अकाउंट का ऑप्शन है। तो चलिए हम डिलीट योर अकाउंट में क्लिक करेंगे। जैसे आपने डिलीट योर अकाउंट में क्लिक किया, अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप इस अकाउंट को किस तरीके से डिलीट करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, या हाउ डू आई डिलीट माय इंस्टाग्राम अकाउंट, आप इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसमें क्लिक करेंगे, सेकेंड ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर डिसेबल का ऑप्शन है, तो हमें डिसेबल नहीं करना बल्कि डिलीट करना है। तो उसके और नीचे जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डिलीट योर अकाउंट। तो जो डिलीट योर अकाउंट लिखा हुआ है इसमें हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया, अब आपके सामने इस तरीके से पेज खुला। अब आपको यहाँ पे है व्हाई डू यू वांट टू डिलीट, तो यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे एक कोई भी रीज़न आपको देना है कि क्यों आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो चलिए, क्रिएट सेकंड अकाउंट में बनाने वाला हूँ इसलिए हम डिलीट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बोल रहा है कि री एंटर योर पासवर्ड, यानी कि आप अपने अकाउंट का यहाँ पर पासवर्ड को डाल दें। तो चलिए, अपने अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड डालने के बाद नीचे एक डिलीट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे डिलीट में हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ओके में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे, और वेट करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर पेज इस तरीके से खुला, और यहाँ पर ये इस तरीके से हमारा अकाउंट डिलीट हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से अपने अकाउंट को आप डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है नए अकाउंट से, तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।